ट्विटर को ऑर्डर दिए गए, मान लिया सीबीआई ईडी ईडी आपके पास है, ट्विटर आपके पास थोड़ी ना है। जिस प्रकार से आप आदेश देंगे, ये आदेश देना गलत था ट्विटर को, ये देश के हित की बात नहीं है। नहीं, आप ट्विटर को बार एक मिनट गुरेश भाई बात रखना चाह रहे हैं, गुरेश भाई क्लियर करिए, वो कह रहे कि ट्विटर को डरा रहे थे आप। देखिए, जहां तक ट्विटर की बात है ना, बड़ी स्पष्ट बात है कि जैक डॉर्सी आज के समय ये बातें जो कर रहे हैं, जैक डॉर्सी आज ट्विटर में कुछ भी नहीं है, ट्विटर जो है आज एलन मस्क के पास है। तो दो साल के बाद जैक डॉर्सी ने ये बात की होगी, आपको समझना चाहिए कि जैक डॉर्सी क्या है। वो एक घोर वामपंथी व्यक्ति है, वो LGBTQ और सारी चीजें, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, किसी को अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आइडियोलॉजी ऐसे वामपंथियों के साथ फोटो क्यों खिंचवाते हो आप। नहीं देखिए, फोटो तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी खिंचवाते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ भी खिंचवाते हैं, सबके साथ खिंचवाते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं भारत विरोधी है। देखिए, मैं एक राष्ट्रीय दल की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उस दल की कर रहा हूँ जिसकी हिंदुस्तान में सरकार है, तो इसके लिए खुल के एक बात नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ इतना कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी व्हाइट हाउस भी गए थे, और खबर आई थी वहां डोनाल्ड लू से मिले हैं, और डोनाल्ड लू किस चीज के लिए फेमस है आप नहीं जानते क्या, कि सत्ता पलट कैसे किया जाए। किस मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास इतनी ताकत है कि वो ट्विटर को भी है? ताकत वाकत कुछ भी नहीं भाई साहब, आज के समय जैक डॉर्सी मतलब ट्विटर राहुल गांधी के कहने पर चलता है। नहीं तो ट्विटर में क्या है जैक डॉर्सी आज की तारीख में, तो वो आप नहीं आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दबाव था इसलिए ट्विटर के पूर्व सीईओ ने ये बात कही। नहीं देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जॉर्ज सोरोस वाला भी मामला है, जॉर्ज सोरोस बहुत पैसे वाला आदमी है और वो किस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन करता है, वो लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें हैं जी, देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। नहीं, कोई भी बड़ा आदमी देश में आएगा प्रधानमंत्री से मिलना चाहेगा तो वो मिलेगा, तो वही बड़ा आदमी तो आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने डराया।